आधार कार्ड तो माफ को बड़ो कड़ा पांच खिलाड़ी योजना नहीं जब हम आता हूं क्यों मांगड़ो मिल जाना है कंजा हां कोई लगो पत्तो को नन्हे रो के महाराज बेरो पड़े हो मैं पता लगा करके आए हो अजी पत्तो को नहीं पत्तो को आगलो बताया ही नहीं पत्तो बता भैया की क्या मालूम किया तुमने अजी एक मोड़ बैठे है भाई न तो बोल रहा है ना कोई और सीख रहा है अरे वो तो बोली है अड़को आप नीचला मांडो ना सिंह नारायण नारायण उच्चारण करा है हाँ नारद ऋषि है अब कौन मैं बन रहा तो बोल्ड चारों में लाग रही है नारायण जी करो बटी हो सकता है नारद ऋषि के तपोबल से मेरा सिंहासन बलायमान हो रहा है तो मेरे सका कामदेव को बुला कर लाओ मैं इंद्रलोक में रहता हूँ और कामदेव है नाम मेरा जग को उंगली पे नचाता हूँ और यही सदा से पति और मीन ध्वज मनोज रूप कहलाया हूँ ब्रह्मधारी सती ब्रह्मचारी का मैं ध्यान दिखाते आया नहीं मुनि पारा सरकार पल भर में ध्यान दिखाया था धीवर की कुवारी कन्या से नौका पे घोट कराया कारण क्या महफूज है देवन के साथ तुम पूछते हो मेरे उदासी का कारण तो मैं आपको बताता हूँ नारद ऋषि तपस्या कर रहे हैं और मुझे शक है कि उनकी तपोबल से मेरा सिंहासन दोलायमान हो रहा है कहीं वो मेरे सिंहासन को प्राप्त करने के लिए तो तप नहीं कर रहे इसलिए आप जल्दी से जाइए और मेरा संताप भरिए वाह देवराज वाह अरे जिसके डर से त्रिलोक के डरे जिसके डर से त्रिलोक के डरे डरे वो इसी नारद से हे मेरी व्रत तसल्ली जगत छोड़ राज्य वलम जाते जाते करो तपस्या भंग ऐसी माया रचू है इंद्र तेरी कसम आपसे ऐसी ही आशा है लेकिन हे देवराज इंद्र आपके पास में तो सब युक्ति है और सब युक्ति है आप किसी भी तरह से चाहे शाम दामदंड भेद हो चाहे छल बल या कौशल हो किसी भी युक्ति से आप अपने किसी भी स्वर्ग में लुटे आए संकट का सामना कर सकते हो फिर भी आप एक नारद की समाधि और नारद से लोगे आप बगैर देर किए जाइए और मेरा संताप भरिए ठीक है देवराज इंद्र हे सूर्यराज अभी मैं जाता हूँ मित्रता का फर्ज निभाने को मैं हर युक्ति से खेलूंगा नारद का ध्यान मैं जाते ही उसे बतला दूंगा जो लगा समाधि लेता है तब उसका खंडित कर दूंगा जो हिमगिरी है अरे नारद की तो औकात ही क्या नारद की तो औकात ही क्या ये उसको मैं बतला दूंगा सिंहासन आपके डल जाने का मैं नारद से बता लूंगा आपसे यही उम्मीद है आप जाइए और नारद का ध्यान दिखाइए आज्ञा दीजिए देवराज और ये काम आपका सहसा से हो इसलिए आप स्वर्गपुरी की अप्सराएं रंभा मेनका उर्वशी तिलोत्तमा आदि को भी मेरे साथ में कर दीजिए आ
समाधि को भी आप नहीं निकल पाए, फिर से कोशिश करो। जो भी आपके पास में जितनी कलाएं हैं उन सबके साथ में फिर से नाच गान सब करके इनका ध्यान दिलाने का एक बार फिर से प्रयत्न करो। हाय जो भी तो फिर देवराज इंद्र के सामने क्या जवाब देना होगा? नारद जी ने लगता है बहुत ही गहरी समाधि लगा के रखी है, अभी मुझे ही कुछ करना होगा। कम बाण कुछ काम कर, प्रसन्न है काम के नाम का, तब इसका खंडित नहीं हुआ तो ये कामदेव किस काम। दिखा नहीं पाया इसलिए आप मुझे माफ कीजिए, मैं आपके शरणागत हूं। आज मैंने विश्व विजेता कामदेव को जीता है।